हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल चनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। एंड आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की फिजिक्स की फर्स्ट बुक, जो की है आपकी पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। एंड इसमें आज आपकी यूनिट थर्ड स्टार्ट करेंगे हम, इन एडिफेसिस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। इससे पहले दो यूनिट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट थी रिलेटिविटी एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड एंड सेकेंड थी रिलेटिविटी रिलेटेड रिलेटिविस्टिक काइनेमैटिक्स। तो दोनों यूनिट्स आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। इन पे बेस्ड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, मोस्टली उन सभी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वीडियो के थ्रू मैं प्रोवाइड करा दूंगी जल्दी ही, ठीक है। तो जिनके भी अप्रैल में एग्जाम्स हैं, वो सभी स्टूडेंट्स टेंशन बिल्कुल भी ना ले, आपको मिल जाएगी उससे पहले ही आपको पीडीएफ, ठीक है, जिनके भी ऑब्जेक्टिव पेपर होने हैं। तो आपको क्या हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा किस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके आएंगे। एंड ज्यादातर तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, वहां पर प्रॉपर बुक मिल जाएगी आपको, जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जिनको पढ़ करके आपको आइडिया लग जाएगा, एक हिंट हो जाएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो यूनिट है बच्चा, इसको आप मान के चलना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपके ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में, लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछ ले जाते हैं। जैसे कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हो गया मैटर का, ठीक है, उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हो गया। तो काफी सारे इसमें टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, पूरी यूनिट ही है आपकी, तो आपको अच्छे से कवर करनी है। आज किस क्लास में हम इसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इसमें वर्ड आएगा भी स्टार्टिंग के कुछ टर्म्स में रेडिएशन। तो पहले तो आपको वो समझना होगा कि रेडिएशन आखिर होता क्या है। उसके बाद में जो रेडिएशन है वो दो तरीका ड्यूल लेजर जो है शो करता है, तो वो ड्यूल लेजर शो करता है, क्यों शो करता है, किस वजह से करता है, और प्लांक ने रेडिएशन के लिए अपना जो भी क्या दिया था, कंसेप्ट दिया था, वो कंसेप्ट क्या दिया था। तो ये कुछ टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे आज की इस क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहले वर्ड आता है रेडिएशन की, दी रेडिएशन क्या होता है, मतलब क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, प्लांक कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिएशन। तो रेडिएशन क्या है, जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो रेडिएशन का मतलब होता है एक तरीके से फैलाव, यानी कि फैलना। मान लिया ये क्या है, कोई भी एक सिस्टम है, ठीक है, इससे क्या निकल रही है, किरणें निकल रही है। ये क्या है, कोई भी एक सिस्टम है, इससे क्या निकल रही है, किरणें निकल रही है, ये किरणें निकल गई, ठीक है। तो ये किरणें जब निकल के चारों तरफ फैलेंगी, ये किसी भी सिस्टम से किरणें जब निकलकर चारों तरफ फैलेंगी, तो वो किरणें, ये किरणें ऐसी होंगी जो ना तो आपको दिखाई देंगी, मतलब अपनी आंखों से ना तो आप इनको देख सकते हो, ना ही आप इनको महसूस कर सकते हो, यानी कि ना ही तो आप इनको फील कर सकते हो, लेकिन ये आपकी बॉडी पर भी इफेक्ट डालेंगी, यहां तक कि कई बार मृत्यु तक का कारण बन जाती है, डेथ तक का कारण बन जाती है ये वाली किरणें। आपने देखा होगा आज के टाइम पे बहुत सारे जो डॉक्टर्स वगैरह, मतलब बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे चल रहे हैं जो कि किरणों के थ्रू करे जाते हैं, रेज के थ्रू किए जाते हैं, यानी कि बहुत सारे से, मतलब ऑपरेशन टाइप भी आपने देखा होगा कि क्या कर दिया, वो बोलते हैं ना कि बीन से कर दिया ऑपरेशन, तो पथरी वगैरह का जो हो जाता है, तो मतलब क्या है, उसमें कैसे करते हैं, बहुत सारे ऑपरेशन, बहुत सारे ट्रीटमेंट, चेकअप्स होते हैं कि जो कि एक क्या होता है, सिस्टम सा होता है कुछ भी, और उसकी हेल्प से क्या करती है, उसमें से किरणें निकलती हैं, ना तो आप उनको देख पाते हो कि इनमें से कौन सी किरणें निकल रही है, कौन सी नहीं निकल रही, ना ही जिस भी पेशेंट पे क्या होती है अप्लाई होती, ना ही वो उसको महसूस कर पाता, ऑब्जर्व कर पाता, लेकिन फिर भी वो अपना काम करती है, नहीं करती। तो वो ही सब चीजें, वो ही क्या कहलाती है, ये जो किरणों का इस टाइप का फैलाव है कि जिसको आप देख नहीं पा रहे और महसूस नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी ये इफेक्ट डाल रहा है, तो इसी को ही क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं, इसी को ही क्या बोलेंगे, रेडिएशन बोलेंगे। समझ में आ गई बात। तो इसकी प्रॉपरली डेफिनेशन मैं आपको लिखा देती हूँ, ताकि आपके माइंड में ये कंफ्यूजन ना हो कि रेडिएशन होती क्या है। उसके बाद एक बात आता है कि जो रेडिएशन है इसका नेचर कैसा है। तो जो रेडिएशन है बच्चा, ये हमारा शो करता है ड्यूल नेचर। कैसा नेचर शो करता है, ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर क्यों शो करता है, यानी कि इसका आप बोल सकते हो कि द्वी प्रकृति, इस टाइप से कुछ भी कह सकते हो। तो मतलब क्या है कि दो प्रकृति शो करता है ये, कौन कौन सी, एक तो ये वेव की तरह क्या करता है, तो ये वेव नेचर शो करता है, और दूसरी क्या करता है, ये
पार्टिकल नेचर शो करता है। जो रेडिएशन है ये वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है, इसलिए इसे वेव पार्टिकल भी बोल सकते हैं कि यानी कि इसका जो नेचर है वो कैसा है, वेव पार्टिकल नेचर है। तो दो टाइप का ये नेचर क्या करेगा, शो करेगा। एक तो कैसा, तरंगों के रूप में भी चलेगा, जैसे कि मैंने अभी बताया बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें क्या करते हैं हम, मतलब जिनके थ्रू क्या करते हैं ऑपरेशन वगैरह होते हैं, ट्रीटमेंट्स होते हैं, तो उनमें यूज करते हैं, उनसे जो किडनी निकलती है, रेडिएट किडनी निकलती है, तो उस कंडीशन में तो ये किसकी तरह वर्क करेगा, वेव की तरह। और बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसमें ये किसकी तरह शो ऑफ करेगा, पार्टिकल की तरह शो करेगा। तो अगर कोई पूछेगी रेडिएशन, पूछना वैसे तो कोई नहीं है, ना ही ये चीज एग्जाम में आपकी पूछी जाएगी कि रेडिएशन क्या है, कितने टाइप का होता है, बट जब आप आगे टॉपिक पढ़ोगे तो आपको पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए, तभी फिर आगे की चीजें समझ में आएंगी, रटने से कोई फायदा नहीं है। तो आपको पता चल गया रेडिएशन क्या है, किरणों का एक तरीके का फैलाव है जो कि क्या होता है, चारों तरफ फैलता है, बट वो किरणें हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है। कोई पूछे रेडिएशन होता कितने टाइप का, भाई इसका नेचर तो कैसा है कि ये द्वि प्रकृति शो करता है, दो टाइप का नेचर शो करता है, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर, बट ये खुद कितने टाइप का होता है, तो ये तीन टाइप का होता है, कितने टाइप का, तीन टाइप का, यानी कि जो रेडिएंट रेज होंगी वो कितने टाइप्स की होंगी, थ्री टाइप्स की। कौन कौन सी आपने सुना होगा, अल्फा रे सुना है, बीटा रे एंड गामा रे, यानी कि अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, तो ये सभी किसका ही भाग है, ये रेडिएशन ही है, ये सब कुछ, ये सारा क्या फैलाव जो है किरणों का, ये सब क्या कहलाता है, रेडिएशन कहलाता है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे प्रॉपर वे में, ताकि आपको बात तक याद रहे जब भी आप नोट्स ओपन करो। सो देखिएगा यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी मैंने, क्या है डेफिनेशन, रेडिएशन क्या होता है कि द पावरफुल एंड वेरी डेंजरस रेज, यानी कि वो शक्तिशाली और बहुत ही खतरनाक किरणें दैट आर सेंट आउट फ्रॉम सर्टेन सब्सटेंसेस, जो कि क्या हो रही है, कुछ सब्सटेंसेस से, कुछ पदार्थ से कहां निकल रही है, बाहर निकल रही है, इज कॉल्ड रेडिएशन। तो उनको ही क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं, मतलब क्या है, विकिरण, हिंदी में क्या बोलोगे इसको, विकिरण, यानी कि अगर किसी भी पदार्थ से बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक किरणें बाहर निकल रही है, बाहर की तरफ फैल रही है, तो वो ही क्या कहलाता है, विकिरण, फैलाव या रेडिएशन कहलाता है, ठीक है। You cannot see or feel the radiation, यानी कि आप रेडिएशन को ना तो देख सकते हो अपनी आंखों से और ना ही उसको फील कर सकते हो, ना ही आप उसको महसूस कर सकते हो, बट इट कैन कॉज सीरियस इलनेस और डेथ, लेकिन ये क्या हो सकता है, एक सीरियस इलनेस, बीमारी या फिर डेथ का कारण भी बन सकता है, ठीक। रेडिएशन समटाइम्स बिहेव एज अ वेव एंड एट अदर टाइम एज अ पार्टिकल, यानी कि जो रेडिएशन है वो कभी कभी तो किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ वेव, यानी कि वेव की तरह व्यवहार करेगा, एंड एट अदर टाइम एज अ पार्टिकल, और कभी कभी कैसे करेगा, वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, पार्टिकल यानी कि कण की तरह व्यवहार करेगा। इन अ सेंस इट हैज अ वेव पार्टिकल ड्यूलिज्म, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो हमारा रेडिएशन है ये क्या करता है, वेव पार्टिकल की द्वि प्रकृति शो करता है, यानी कि दो तरह का नेचर ये शो करता है, वेव का भी और पार्टिकल का भी। सो थस लाइट रेडिएशन हैज अ ड्यूल नेचर, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लाइट रेडिएशन होता है ये क्या करेगा, ड्यूल नेचर को शो करेगा, ठीक है। तो ये सारी कहानी हुई जिसके बारे में, रेडिएशन के बारे में, रेडिएशन होता क्या है और कैसे कैसे ये कितने टाइप का नेचर शो करके दिखाता है, ठीक है। अब एक बात और आती है इसी के अंदर, ये जो हम पढ़ रहे हैं वेव पार्टिकल, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको जनरली मैं बता दूं, वेव और पार्टिकल का नेचर शो करने के लिए क्या चीजें शो करनी पड़ेगी, हमें कैसे पता चलेगा कि रेडिएशन वेव का नेचर शो कर रहा है या फिर पार्टिकल का नेचर शो कर रहा है, कुछ ना कुछ कंडीशंस तो होंगी, कुछ ना कुछ उनकी प्रॉपर्टीज तो होंगी, तभी तो हम उनके अकॉर्डिंग स्पेसिफाई कर पाएंगे कि वो हमारे वेव का नेचर शो कर रहा है या पार्टिकल का नेचर शो कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, हमारे पास में दो चीजें हैं, एक तो क्या है, वेव है, और एक क्या है, पार्टिकल है। रफली समझना इस चीज को, एक तो क्या हो गया, वेव हो गया, और एक क्या हो गया, पार्टिकल हो गया। तो जो हमारे पास में क्या है, जो रेडिएशन है वो वेव का नेचर शो कब करेगा, वेव के अंदर क्या होता है, जो किरणें होती हैं उनको हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं कि ये वेव्स हैं, कैसे स्पेसिफाई करते हैं, वेव के अंदर हम क्या 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 मेजर कर सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं, वेवलेंथ मेजर कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड मेजर कर सकते हैं,
इन सब के अकॉर्डिंग ही तो हम स्पेसिफाई करेंगे कि जो रेडिएशन है वो वेव की तरह नेचर शो कर रहा है, वेव का नेचर शो कर रहा है, अगर वो इन सब चीजों को शो करेगा। बट अगर रेडिएशन के अंदर हमें क्या मिल रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि रेडिएशन पार्टिकल का नेचर शो कर रहा है, किस कंडीशन में, पार्टिकल के अंदर क्या क्या होता है, हम कैसे पता करेंगे कि ये पार्टिकल ही है। कुछ ना कुछ उसकी स्पेसिफिक कंडीशंस तो होती है ना, तो हमें पता है कि पार्टिकल का कुछ ना कुछ अपना क्या होता है, मास होता है। पार्टिकल है कोई भी तो उसका अपना कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ द्रव्यमान होगा। अगर वो पार्टिकल है तो वो मोशन अगर करेगा तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी, यानी कि पार्टिकल के हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, पार्टिकल का मास हो गया, वेलोसिटी हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम मेजर कर सकते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग हमें क्या पता चल जाएगा कि रेडिएशन अगर इनको प्रॉपर्टीज को शो करेगा, इट मींस वो वेव नेचर शो कर रहा है, अगर इस टाइप की प्रॉपर्टी वो दिखाएगा तो इसका मतलब क्या है कि वो पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज चाहे तो साइड में नोट करके लिख लेना रफली, या फिर अपने माइंड में ध्यान रखना। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कि प्लांक ने क्या अपना कंसेप्ट दिया था रेडिएशन के ऊपर। ठीक है, एक बार पहले इतना नोट कर लो। सो देखिएगा, इसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें प्लांक कंसेप्ट अबाउट रेडिएशन, यानी कि रेडिएशन के बारे में प्लांक ने अपना क्या कंसेप्ट दिया था, क्या सिद्धांत दिया था। ठीक है, पहले समझेंगे उसके बाद में फिर मैं आपको नोट करा दूंगी। तो प्लांक ने क्या करा था 1900 में, यानी कि 1900 शताब्दी में जो प्लांक थे उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने बताया था किसके बारे में, कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो कर्व है, उसकी जो शेप होगी, उसको एक्सप्लेन किया था कि उन्होंने प्लांक ने क्या किया था, ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन है जिसके बारे में अपने आप में अच्छा कंप्लीट एक टॉपिक है जिसके बारे में हम कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कल के लेक्चर में अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक हो जाएगा, तो इसलिए इस लेक्चर में तो नहीं कराऊंगी, बट अगले लेक्चर में हम इसको कंप्लीट अच्छे से कवर करेंगे। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो कर्व बनेगा, तो इस कर्व की जो शेप होगी, इसके बारे में बताया था किसने, प्लांक ने बताया था। कब बताया था, 1900 में बताया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने क्या कहा था कि मान लो कोई भी पार्टिकल है तो उस पार्टिकल की कुछ ना कुछ एनर्जी भी होगी, तो जो एनर्जी होगी जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से, ये किसके इक्वल होगी, एच इंटू न्यू के इक्वल होगी, जहां पर न्यू क्या है, ये क्या है, फ्रिक्वेंसी है, ये क्या है, फ्रिक्वेंसी। मान लिया अभी मैंने आपको बताया रेडिएशन है, तो रेडिएशन हमारा क्या करेगा, वेव की, वेव नेचर भी शो करेगा और वो पार्टिकल नेचर भी शो करेगा। तो अगर वो वेव नेचर शो करेगा तो सीधी सी बात है फ्रीक्वेंसी भी शो अप होगी, तो फ्रीक्वेंसी हम मेजर कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में ये न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और एच क्या है, ये यहाँ पे, ये किसने दिया था, ये कंसेप्ट दिया था प्लांक ने, और प्लांक ने दिया था इसीलिए इन्होंने ये जो कॉन्स्टेंट ऑब्जर्व किया है, इसको क्या बोलेंगे, प्लांक कॉन्स्टेंट, क्या बोलेंगे इसको, प्लांक कॉन्स्टेंट बोलेंगे। एंड इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 6.363 × 10⁻³⁴, ये होती है प्लांक कॉन्स्टेंट की वैल्यू, जिसका यूज हम कहा करते हैं, न्यूमेरिकल्स में करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगा, एच इंटू न्यू के इक्वल होगा, और यही कंसेप्ट इन्होंने दिया था। इसी के बेस पे फिर जो हमारा आगे हम इसमें टॉपिक पढ़ेंगे ना लास्ट में जाकर के, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर, मैटर के लिए, तो उसमें भी उसके जो हमारा यूज होगा, जहां पे वो हमारी एक टाइप से आप ये बोल सकते हो कि जो उसका एक्सप्रेशन निकलेगा, उसमें भी इस वाले टर्म का यूज किया जाएगा, प्लांक के इस कंसेप्ट का। तो आपको हमेशा माइंड में याद रखना है कि प्लांक ने रेडिएशन के लिए क्या कंसेप्ट दिया था, उन्होंने बताया था एनर्जी किसकी इक्वल होती है, एच इंटू न्यू के इक्वल होती है, जहां पर ई एनर्जी, एच प्लांक कॉन्स्टेंट, और न्यू क्या है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो एक बार मैं इसकी थ्योरी लिखा देती हूँ ताकि आप लोग नोट कर लो फिर। सो यहां से आगे देखिएगा, डिफाइन आप इसको किस टाइप से करोगे, सबसे पहले एक लाइन यहाँ पे नोट करनी रहेगी, तो उसको पहले लिख लीजिए जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ। क्या लिखोगे, इन 1900, लिख लीजिए एक बार मैं बोल रही हूँ आप सभी को, इन 1900 मैक्स प्लांक प्रपोज्ड, यहां पे लिख सकते हो आप गिव द थ्योरी, गिव द क्वांटम थ्योरी। ठीक है, यानी कि 1900 में मैक्स प्लांक ने क्या दिया था, क्वांटम थ्योरी दी थी, टू एक्सप्लेन क्या दर्शाने के लिए, टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ द
शेप ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व्स CURVES, यानी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन की कर्व की जो शेप होती है उसको दर्शाने के लिए 1900 में मैक्स प्लैंक ने क्या दिया था, क्वांटम थ्योरी दी थी। सो उसके बाद में यहां से लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, यानी कि प्लैंक की क्वांटम थ्योरी के अनुसार डिफरेंट एटम्स यानी कि जो अलग अलग परमाणु होते हैं एंड मॉलिक्यूल्स और जो अणु होते हैं कैन इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी, वो क्या कर सकते हैं एनर्जी को ग्रहण भी कर सकते हैं और इमिट यानी कि निकाल भी सकते हैं इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज ओनली, कुछ मात्रा में। ठीक है, मतलब क्या है कि प्लैंक की जो क्वांटम थ्योरी थी इसके अकॉर्डिंग इसमें क्या बताया था प्लैंक ने कि जो अलग अलग परमाणु होते हैं या अणु होते हैं वो क्या करते हैं एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, उसको बाहर भी निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में वो एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं और बाहर भी निकाल सकते हैं। सो स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा की वो कम से कम मात्रा दैट कैन बी मिटेड, जो कि बाहर निकल सकती है और एब्जॉर्ब या फिर एब्जॉर्ब की जा सकती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में इज कॉल्ड क्वांटम, उसको ही क्या बोलते हैं क्वांटम बोलते हैं। ठीक है, द एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एज फॉलोज, यानी कि फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में अगर रेडिएशन की एनर्जी को एक्सप्रेस करना होगा तो आप कैसे करोगे कि E किसके इक्वल होगा, H न्यू के इक्वल होगा। E क्या है यहाँ पे एनर्जी ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की ऊर्जा है, H क्या है यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। H की वैल्यू वहां पे देख लेना, मुझे लग रहा है मैंने शायद गलती से कुछ बोल दी थी बट एडिटिंग में मैंने सही कर दी, 6.626 यहाँ पे मुझे बाद में किसी और चीज की वैल्यू याद आ रही थी, तो ये कितना होगा 6.626 × 10⁻³⁴ जूल सेकंड। ठीक है, इसकी वैल्यू याद रखनी है, इसका न्यूमेरिकल में यूज होता है भी बहुत ज्यादा, कभी फिर बाद में कभी बताया नहीं था। तो ये था क्या प्लैंक का कंसेप्ट किसके बारे में, रेडिएशन के बारे में। उन्होंने कहा था जो एनर्जी होगी वो क्या होगी फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रपोर्शनल होगी, जो रेडिएशन की एनर्जी होगी वो उसकी फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रपोर्शनल होगी और प्रपोर्शनल कॉन्स्टेंट अगर आप बताओगे तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आया था एच जिसको नाम दिया गया क्या प्लैंक कांस्टेंट एंड इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.626 × 10⁻³⁴ जूल सेकंड। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो इस वाली वीडियो में बच्चे बस इतना ही, इसमें कम इसलिए करा रही हूँ क्योंकि इस वाली यूनिट के सभी टॉपिक्स अपने आप में प्रॉपर एक टॉपिक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आज मैंने थोड़ा सा पढ़ा दिया कल थोड़ा सा पढ़ा दिया, एक टॉपिक अपने आप में एक लेक्चर में कंप्लीट होना कंपलसरी है, अदरवाइज फिर आपकी समझ में नहीं आएगा। तो कल से इसका हर एक टॉपिक एक एक लेक्चर में कवर कर लेंगे, कोशिश करेंगे किसी एक लेक्चर में दो भी टॉपिक कवर कर लेंगे छोटे छोटे होंगे तो, बट आपका टॉपिक दिन के दिन ही खत्म होगा। ठीक है, सो आपको समझ में भी अच्छे से आएगा और इतना आपको करा दिया कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं रही होगी, अगर इसमें कंफ्यूजन रह जाएगी तो फिर आपको बाकी के लेक्चर समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए आशा करूंगी कि इसमें आपको कोई भी दिक्कत ना हो, अगर कोई भी दिक्कत परेशानी कंफ्यूजन हो कहीं पर भी तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़ सके और हमारी फैमिली और भी ज्यादा बड़ी हो सके। अगर आप चैनल पर नहीं हो या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।